स्वागत दगड एज्युकेशन सोसायटीचे केया बांठिया माध्यमिक विद्यालय व एनएन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्ते छात्रो, मैं शोभा कानवडे, सहायक शिक्षिका केया बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा दसवीं दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 7 महिला आश्रम देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर जी। छात्रों, अब हम काका कालेलकर जी का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म सन 1885 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ और मृत्यु 1981 में नई दिल्ली में हुई। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या इनकी लेखन शैली के विशेष गुण है। इनकी प्रमुख कृतियां हिंदी, राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्म उदय, आत्मचरित्र आदि। छात्रों, महिला आश्रम इस पत्रात्मक पाठ के माध्यम से लेखक काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी उनके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। छात्रों, महिला आश्रम एक पत्रात्मक पाठ है। यहाँ पर दो पत्र दिए गए हैं। दोनों पत्र लेखक काका कालेलकर जी द्वारा सरोज बहन को लिखे गए हैं। इन पत्रों के द्वारा उन्होंने महिला आश्रम की स्थापना के लिए सरोज बहन का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आश्रम के नियमों से सरोज बहन को परिचित कराया है। तो चलिए छात्रों, अब हम महिला आश्रम पत्रात्मक पाठ और उसमें आए नए शब्दों के अर्थ देखेंगे। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कई मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वो अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। छात्रों, संचालन का अर्थ चलाना, विज्ञापन का अर्थ इश्तहार। लेखक ने जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में लेखक सरोज बहन को जानकारी देते हुए कहते हैं कि आश्रम घर जैसा होना चाहिए। आश्रम की व्यवस्था में किसी पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। आश्रम से संबंधित विज्ञापन अखबार में नहीं देना चाहिए। आश्रम की व्यवस्था के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। जो महिला आश्रम में दाखिल होगी वह
स्वयं अपने खाने पीने और कपड़े लत्ते की व्यवस्था करेगी। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। सिफारिश का अर्थ किसी के पक्ष में किसी दूसरे से कुछ कहना। लेखक आगे कहते हैं कि सिफारिश करने वालों को गरीब महिला के लिए खर्च की व्यवस्था करनी चाहिए। पहचान और परिचय के बिना किसी को भी आश्रम में दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकेगी। आश्रम में रहने वाली महिला यदि बुरा आचरण या नियमों का पालन नहीं करेगी तो उसे 1 या 3 महीने का नोटिस देकर आश्रम निकाल सकता है, परंतु यह निर्णय सोच कर लेना चाहिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए, पढ़ाई भी आसान हो। चिपका का अर्थ जुड़ा रहना, सदाचार का अर्थ अच्छा आचरण। लेखक कहते हैं आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का वातावरण रहेगा। सादगी का आग्रह होगा। आश्रम में उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। आश्रम शिक्षण संस्थान नहीं होगी, लेकिन कलह और कूड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहां हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहां परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहुत सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। कलह का अर्थ झगड़ा या विवाद, कूढ़न का अर्थ मन में होने वाला दुख, बेखटके का अर्थ बिना किसी संकोच के या निसंकोच। लेखक कहते हैं आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी। आश्रम का वातावरण विवाद और मन में होने वाले दुख से मुक्त और स्वतंत्र होगा। आश्रम में रहने वाली परेशान महिलाएं निसंकोच से रहकर अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा कार्य करने में कर सके। आश्रम में रहने वाली महिलाएं आश्रम को सुंदर तरीके से चलाएगी। उनके ऊपर समिति का बोझ नहीं होगा जिससे उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कहीं तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं दो दो चार चार का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। भार का अर्थ जिम्मेदारी, अधीन का अर्थ अंतर्गत। लेखक कहते हैं आश्रम चलाने की जिम्मेदारी आश्रम में आने वाली महिलाएं ही संभालेगी, क्योंकि उनमें कहीं प्रशिक्षित होंगी। सरोज बहन उनको संगीत की, भक्ति की और प्रेमयुक्त सलाह देगी।
संस्था यानी आश्रम की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। वहां पर आने वाली महिलाएं संस्था के नियम के अंतर्गत रहकर दो दो चार चार का परिवार चलाएंगी। लेखक कहते हैं, ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सारा तो रहेगा ही, आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। ख्याल का यहां अर्थ अंदाज। आगे लेखक कहते हैं, ऐसा आश्रम चलाना बिल्कुल आसान और बहुत ही उपयोगी है। सरोज बहन से उनका बहुत वर्षों से परिचय होने के कारण सरोज बहन की शक्ति, कुशलता और मर्यादा का अंदाज लेखक को है। लेखक इस काम में प्रत्यक्ष सहभाग न लेकर सिर्फ सलाह और सहारा देंगे। संस्था आने वाली महिलाएं ही चलाएंगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। लेखक ने कहा, समाज में ऐसी संस्था की बहुत जरूरत है, इसी कारण ऐसी संस्थाओं का जन्म होगा। लेखक को पूरा विश्वास है कि सरोज बहन ऐसी संस्था चला सकेगी। लेखक प्रार्थना पूर्वक उनके द्वारा सरोज बहन को दी गई सूचनाओं का विचार करने कहते हैं। सरोज बहन यदि संस्था चलाने के लिए हाँ कहे तो अभी से लेखक आगे का विचार करेंगे। यह सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेथिमम फूल बहार में है, उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। सर्दी का अर्थ ठंडी या शीत ऋतु। लेखक सरोज बहन को सर्दी के मौसम में फूलने वाले फूल गुलदाउदी की विशेषताएं बताते हैं। इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, ये फूल बहुत टिकते हैं। गुलाब के फूल भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती। दो एक महीने फूल देकर अंत में वो सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। विदा देना का यह अर्थ हटा देना या फेंक देना। छात्रों, कोसमोस जिनिया फूलों के पौधे हैं। कोसमोस के फूलों ने लेखक को बहुत आनंद दिया। जिनिया का पौधा रास्ते के किनारे था, लोग उसकी कली तोड़ लेते थे, इसलिए लेखक ने उसे वहां से हटाकर अपने सिरहाने लगा दिया। पौधे ने वहां बहुत सुंदर सुंदर फूल दिए। दो एक महीने बहुत फूल देकर पौधा सूख गया। सूखने के बाद लेखक ने उसे
अपने पास से हटा दिया। सब प्रेम शुभ आशीष देकर लेखक पहला पत्र समाप्त करते हैं। छात्रों, अब हम लेखक द्वारा सरोज बहन को लिखा हुआ दूसरा पत्र देखेंगे। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और 14 आज लिख रहा हूं। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। लेखक को सरोज बहन ने 16 से 18 तक लिखे हुए पत्र 21 दिसंबर 1944 को मिले। लेखक भी सरोज बहन को दिसंबर महीने में 1, 9, 15 और 14, 21 तारीख को पत्र लिख रहे थे। लेखक हर सप्ताह सरोज बहन को पत्र लिखने वाले हैं और सरोज बहन से भी हर सप्ताह पत्र मिलना ही चाहिए ऐसा कहते हैं। परंतु जब तक सरोज बहन की तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना को पत्र लिखने को कहते हैं। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। लेखक कहते हैं कि बापूजी की इच्छा के अनुसार मुझे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उर्दू भाषा सीखनी अत्यावश्यक है। लेखक सरोज बहन को भी उर्दू भाषा लिखना सीखने का संदेश देते हैं और साथ साथ आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ यह भी संदेश दिया है। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभ आशीष, काका कालेलकर ग्रंथावली से। क्रोटन का अर्थ एक प्रकार का पौधा जिसके पत्ते चमकीले और अनेक होते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कंपास बॉक्स तारों के नक्शे बनाने के लिए मंगवा कर रखा है। फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। सिर्फ सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। काका का सबको सप्रेम शुभ आशीष। छात्रों, अब आप परिच्छेदों में आए नए शब्दों के अर्थ वीडियो रुकाकर अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चैनल रायगड ओवी न्यूज चैनल सदैव आपल्या सोबत। रायगड ओवी न्यूज चैनल नेहमी पाहत रहा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।